द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। एक फौजी ने सीधे तौर के ऊपर मांग कर दी है जिससे अनभक्त पूरे हिल गए हैं, और मांग ऐसी है जांच की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं और चाइना के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हैं, उनकी कमजोरी क्या है, इसकी वो जांच चाहते हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसी खबर जब सेना का हर तरफ बीजेपी जो है वो राजनीति का फायदा उठा, राजनीतिक फायदा उठाने का काम करती हो और हमारे सेना के शौर्य को अपने वोट मांगने में इस्तेमाल करती हो, उस वक्त अगर एक सेना के कर्नल का, रिटायर्ड कर्नल का ये बयान आए कि वो मोदी जी के जो खड़े नहीं होने की वजह है अगेंस्ट जी, जो चाइनीज प्रीमियर है जी जिनपिंग, और क्या उनकी कमजोरी है, उसकी जांच चाहते हैं, इससे जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेश जी ने भी इसके ऊपर तंज कसा है, लेकिन सबसे पहले सुना देता हूं विवाद क्या है। कर्नल अशोक कुमार सिंह है, वो लिखते हैं अंग्रेजी के अंदर कि मोदी खड़े क्यों नहीं होते हैं जी के आगे, जी जिनपिंग के आगे, और क्या उनकी कमजोरी है। मैं इसकी जांच चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जांच हो। और मोदी सॉफ्ट अप्रोच टू चाइना स्पेशली व्हेन एनिमीज अटैकिंग आवर सोल्जर्स इज क्वेश्चनेबल। मोदी जी की का जो सॉफ्ट अप्रोच है चाइना की को लेकर, जो उनका अग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है अप्रोच, वो भी जब जब चाइना हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा है, और ये पूरा सवाल खड़ा करता है इस विषय के ऊपर कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये आप व्यापार कैसे कर सकते हैं, क्या आप नहीं भूल रहे हैं इस बात को, डोंट फॉरगेट ऑलमोस्ट 70% ट्रेड विद चाइना इज नॉट एसेंशियल। जो हम 70% जो व्यापार करते हैं चाइना के साथ वो गैर जरूरी वस्तुओं का है, जरूरी वस्तुओं का नहीं है, डेली एसेंशियल्स का नहीं है, जिनके बिना नहीं रह सकते। 70% वो चीजें जो चाइना से आती हैं। साफ तौर के ऊपर एक रिटायर्ड कर्नल ने मांग कर दी है, एक फौजी की मांग है, और उसकी मांग पूरी वायरल हो रही है अच्छे से, क्योंकि उसकी मांग है कि वो जांच चाहता है मोदी जी की खामोशी के ऊपर। वो जांच चाहता है मोदी जी क्यों चाइना के प्रीमियर जी जिनपिंग के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उनकी क्या कमजोरी है, आखिर क्या विषय है कि व्यापार नहीं रोका जा रहा है, जबकि 70% व्यापार ऐसा है चीन के साथ जो हमारी जरूरत की चीजों का नहीं है, सीधा फायदा उसको पहुंचता है। आप कैसे व्यापार कर सकते हैं जब चाइना हमारे सैनिकों के ऊपर हमला कर रहा है, चाइना के सेना, और उसकी ये पूरा का पूरा सवाल का निशान खड़ा करता है। इस जांच की मांग के बाद सुप्रिया श्रीनेश ने लिखा है, हियर स्पीक्स अ सोल्जर, डू यू हैव द करेज टू आंसर दिस पीएम। सीधे तौर के ऊपर सुप्रिया श्रीनेश जी लिखती हैं कि यहां पर एक सेना के जवान ने बोला है, क्या आपके अंदर हिम्मत है इस जवान को जवाब देने का, इस फौजी को जवाब देने का, इस रिटायर्ड कर्नल को जवाब देने का। सुप्रिया श्रीनेश के सवाल के ऊपर अनभक्त अपनी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब देने से पीछे हट रहा है क्योंकि जवाब इनके पास नहीं है। ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि एक रिटायर्ड कर्नल का ट्विटर के ऊपर ट्विटर हैंडल है कर्नल अशोक कुमार सिंह, और वो सीधे तौर के ऊपर सवाल पूछते हैं, और बल्कि एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा करते हैं कि वो जांच चाहते हैं मोदी जी की का क्या कमजोरी है, मोदी जी को क्यों खड़ा नहीं होते, खड़े होते हैं वो चाइना के प्रीमियर के सामने, क्या ऐसी वजह है कि हम अपना व्यापार भी ठीक से नहीं रोक पा रहे हैं। इस सब की जांच होनी चाहिए कि ये क्या मजबूरी आई है, और उसके अंदर बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब यहां पर आगे की बात बताता हूं मैं आपको। सुप्रिया श्रीनेश जी ने सवाल कर ही दिया है वहां खड़ा कि भाई हिम्मत है तो जवाब दो, अब तो सैनिक ने फौजी ने सवाल पूछा है। वहीं पर जयराम रमेश जी ने कांग्रेस की तरफ से 7 सवाल दाग दिए। 7 सवाल ऐसे हैं कि जवाब देने का शायद ही बीजेपी के किसी नेता में दम होगा, और वो जुड़े हुए हैं तवांग से, अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी घुसपैठ है, जो चीनी सैनिकों ने गड़बड़ करी है वहां पर, उसको लेकर। इंडिया टीवी ने लिखा है, तवांग और जिनपिंग को लेकर मोदी क्यों नहीं करते मन की बात, कांग्रेस ने पीएम से किए ये सवाल। सीधे तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि भैया कांग्रेस पार्टी ने जयराम रमेश जी के माध्यम से कि आप तवांग और जिनपिंग को लेकर मन की बात क्यों नहीं करते हैं, सब तरह की बातें तो कर लेते हैं, और यही बात सेना के उस जवान ने भी कही है जो जांच की मांग कर रहा है कि इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। इंडिया टीवी ने वो 7 प्रश्न जो है पीएम मोदी से पूछे गए कांग्रेस के, वो लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बीजेपी की पूरी नाकामी इसमें छुपी हुई है। हमारी सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सेना अपना शौर्य दिखाती रहती है, सेना सरहदों की रक्षा करती रहती है, लेकिन बीजेपी वाले जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि सेना बहुत मजबूत है पर जो सरकार है वो कमजोर है, तो हम भी सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े करते हैं। आज की तारीख में सरकार मेहरबानी करके इन सवालों को, जो सरकार की नाकामी के ऊपर सवाल है, सेना के साहस से जोड़ने का दुस्साहस नहीं करे।
ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करे क्योंकि सेना पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। पीएम मोदी से कांग्रेस के साथ सवाल, पहला सवाल, 20 जून 2020 को आपने क्यों कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा कोई घुसपैठ नहीं हुई, जो मोदी जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई चीज कोई कब्जे में गई है। दूसरा, आपने चीन को यह अनुमति क्यों दी कि वो हमारे सैनिकों को उन हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में जाने से रोके जहां वे मई 2020 से पहले नियमित रूप से गश्त किया करते थे। एक गंभीर सवाल है, आपको समझ में आएगा कि सरकार ने क्या कमजोरी दिखा दी है, बीजेपी की सरकार ने। यहाँ बीजेपी की सरकार की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, ना इसको सेना से जोड़ा जाए ना देश से जोड़ा जाए। आप बीजेपी की नौटंकी सब समझ चुके हैं कि अपने ऊपर जब हमला होता है तो वो सेना और देश से जोड़ देता है। तीसरा सवाल, आपने माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने को लेकर 17 जुलाई 2013 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई योजना को क्यों त्याग दिया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया था काम शुरू करने का माउंटेन स्ट्राइक कोर, उसको क्यों त्याग दिया। चौथा, आपने चीनी कंपनियों को पीएम केयर फंड में अंशदान क्यों देने दिया, ये जाओमी वगैरह जितनी भी कंपनीज थी इनसे पैसा ओप्पो वगैरह से क्यों लिया। पांचवा, आपने पिछले 2 वर्षों में चीन से आयात को रिकॉर्ड स्तर पर क्यों बढ़ने दिया, जो चीन से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जबकि 70% जो है उसमें एसेंशियल्स नहीं है, उसके बाद भी गैर जरूरी चीजों का भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो कितना बड़ा है आपने खुद देख सुन लिया कि चीन से आयात को रिकॉर्ड स्तर पर क्यों बढ़ने दिया। छठा सवाल है, आप इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि सीमा के हालात और चीन से खड़ी हुई चुनौतियों पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। सातवां सवाल है, आपने चीन के शीर्ष नेतृत्व के साथ 18 बार मुलाकात की है और हाल ही में शी जिनपिंग में से बाली में हाथ भी मिलाया। चीन ने तवांग सेक्टर में हाल ही में अतिक्रमण की शुरुआत की और सीमा पर हालात को एक तरफा ढंग से बदल रहा है, आप देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं। जयराम रमेश का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई करने संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर लगातार हमला कर रही है। अब यहां पर उल्टे ये फंस गए हैं इन सवालों के घेरे में, और वो कर्नल साहब के सवाल तो बहुत घातक हैं, और कर्नल साहब ने जो कर्नल अशोक कुमार सिंह ने कहा है उसको लेकर तो बीजेपी में चिंता बढ़ गई होगी। ये जांच कराने की मांग कर रहा है एक फौजी के, भाई खामोशी और ये कमजोरी क्यों है इनकी। अब एक और चीज मैं आपको सुना देता हूं, एबीपी न्यूज ने लिखा है हेडलाइन, जो के सुब्रमण्यम स्वामी ने हमला बोला था, खुद बीजेपी के दिग्गज नेता ने, पूर्व सांसद ने, उन्होंने हमसे झूठ बोला कि कोई नहीं आया। चीन को लेकर एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक यूजर को रिप्लाई करते हुए कहा कि पीएम ने हमसे झूठ बोला है। इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, उनके क्या हाल होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सेना का साहस बरकरार है, सेना हमारी सीमाओं की रक्षा बराबर कर रही है, पर यह सरकार जो लाल आके चीन को दिखाने आई थी उसके ही कार्यकाल में इतना नुकसान क्यों पहुंच रहा है, ये सवाल खड़े करता है जिसके जवाब ये लोग देते नहीं है। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कर्नल साहब सवाल खड़े कर रहे हैं, हम नहीं, कर्नल साहब की तो बात मान ली जाए, जो उन्होंने अपने देश के लिए इतना संघर्ष किया हो सरहदों के ऊपर, ऐसे कर्नल की बात तो माननी चाहिए, और कोई भी हो लेकिन वो सवाल पूछने का अधिकार रखता है, पर ये सरकार जवाब दे तो। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।